गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग रियल नंबर पार्ट थ्री का चर्चा करेंगे। यानी प्रॉपर्टीज ऑफ द रियल नंबर। तो हमारा टॉपिक तो वही होगा रियल नंबर। हमारा जो टॉपिक्स होगा वह आपका होगा रियल नंबर। ये रियल नंबर टॉपिक्स हुआ पार्ट थ्री। तो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग पहले ये कॉन्सेप्ट से भली भांति परिचित हो चुके हैं कि ऑल रियल नंबर्स आर रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन्स, बट डू नॉट डेसिमल फॉर्म ऑफ डेसिमल नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग वी कैन नॉट राइट इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। तो सबसे पहले देखें प्रॉपर्टी नंबर वन में चलिए, रेशनल प्लस इरेशनल, रेशनल प्लस इरेशनल बराबर इरेशनल होता है। डियर स्टूडेंट्स, लैंग्वेज में सम ऑफ रेशनल एंड इरेशनल ऑलवेज विल बी इरेशनल। जैसे आपका दो है रेशनल और रूट टू है इरेशनल, बराबर टू प्लस रूट टू विल बी इरेशनल। अगर आपसे पूछा जाए वेरीफाई दैट या गिव रीजन टू रूट टू प्लस रूट टू इज इरेशनल, तो आपका आंसर क्या होगा कि वी नो दैट, हम जानते हैं कि सम ऑफ रेशनल एंड इरेशनल ऑलवेज विल बी इरेशनल। दो है रेशनल, रूट टू है इरेशनल, और दोनों का सम टू प्लस रूट टू भी होगा इरेशनल। चलिए दो नंबर प्रॉपर्टी में चलिए, इरेशनल प्लस रेशनल बराबर इरेशनल। डियर स्टूडेंट्स, सम ऑफ इरेशनल एंड रेशनल विल बी इरेशनल, ऑलवेज विल बी इरेशनल। अगर आपको परीक्षा में दो अंक स्तरीय प्रश्न पूछा जाता है कि साबित करें कि रूट टू प्लस दो यह एक प्रकार का इरेशनल नंबर है, तो आपका जवाब क्या होगा, चूंकि वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है, कि वी नो दैट सम ऑफ इरेशनल एंड रेशनल ऑलवेज विल बी ऑब्टेन इन द फॉर्म ऑफ इरेशनल। हेयर रूट टू रेशनल, रूट टू इरेशनल और दो रेशनल, तो सम भी होगा इरेशनल। चलिए तीसरा प्रॉपर्टी में चलिए, रेशनल माइनस इरेशनल बराबर इरेशनल। डिफरेंस ऑफ द रेशनल एंड इरेशनल ऑलवेज विल बी इरेशनल। जैसे दो माइनस रूट टू, इसका जो डिफरेंस होगा वह ऑलवेज इरेशनल ही होगा। ये अभी आपका वेरी शॉर्ट में पूछा जाता है क्लास टेंथ में और नाइन्थ में, कि आप ओनली रीजन दीजिए इन वन सेंटेंसेस, गिव आंसर ओनली वन सेंटेंसेस। तो हम लिखेंगे क्या कि वी नो दैट डिफरेंस ऑफ द रेशनल एंड इरेशनल ऑलवेज विल बी ऑब्टेन्ड इन द फॉर्म ऑफ इरेशनल। चूंकि रूट टू जो है जितना भी प्राइम नंबर है उसका अगर स्क्वायर रूट निकाला जाए तो उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा ऑलवेज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। जैसे मान लिया जाए ए बटा बी है, तो हम जो लिखते हैं रूट टू, इसका मतलब है कि ए में बी से अगर डिवाइड करते हैं तो हमारा क्वांटिटी रूट टू होता है। चूंकि रूट टू का जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग,
इसलिए इसको ए बटा बी के रूप में लिखना कदापि संभव नहीं है। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट नंबर प्रॉपर्टी, इरेशनल माइनस रेशनल। तो इरेशनल मान लिया जाए रूट टू माइनस दो, रूट टू माइनस दो, ये भी आपका क्या होगा? इरेशनल। डियर स्टूडेंट्स, आपको लैंग्वेज में लिखना होगा, एक अंक का प्रश्न अगर रहेगा या दो अंक का रहेगा तो मनली इसको वेरी शॉर्ट के नाम से जाना जाएगा। वी नो दैट डिफरेंस इरेशनल एंड द इरेशनल ऑलवेज बी ऑब्टेन इन द फॉर्म ऑफ इरेशनल। ये आपका इरेशनल हुआ। आपको टेंथ में क्लास में पढ़ना है, नाइन्थ में भी पढ़ना है और एट में इसका इंट्रोडक्शन दिया गया है। अब चलिए, रेशनल इंटू इरेशनल, रेशनल इंटू इरेशनल, रेशनल इंटू इरेशनल ऑलवेज इरेशनल बराबर इरेशनल। एग्जाम्पल में देखिए, दो है रेशनल और रूट टू है इरेशनल बराबर टू रूट टू इरेशनल। तो आप लिखेंगे, वी नो दैट प्रोडक्ट ऑफ रेशनल एंड इरेशनल ऑलवेज बी ऑब्टेन्ड इन द फॉर्म ऑफ इरेशनल। दो गुना रूट टू बराबर टू रूट टू, रूट टू का डेसिमल फॉर्म नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग दो से गुना करेंगे तो दोनों का प्रोडक्ट भी वही आएगा। आगे चलिए, इरेशनल इंटू इरेशनल, इरेशनल इंटू इरेशनल ऑलवेज इरेशनल। जैसे रूट टू गुना रूट थ्री बराबर अंडर रूट सिक्स, यह भी आपका इरेशनल हुआ, यह भी आपका इरेशनल हुआ। लेकिन लेकिन अगर यह सेम टर्म में रहेगा, सेम टर्म डियर स्टूडेंट्स, तब इरेशनल गुना इरेशनल बराबर रेशनल। अगर दोनों सेम टर्म में रहेगा तो इरेशनल गुना इरेशनल बराबर रेशनल। जैसे आपका रूट टू गुना रूट टू बराबर होता है दो, इसका इट मीन्स दैट दो पर पावर एक बटा दो, दो पर पावर एक बटा दो, जब प्रोडक्ट में बेस बराबर होता है तो पावर को एड कर देते हैं। दो पर पावर दो बटा दो, दो दो कट गया, दो पर पावर एक बराबर दो। अगर यह सेम टर्म में होगा, अगर यह सेम टर्म में होगा तो रेशनल आएगा। अब चलिए, प्रॉपर्टी नंबर सेवन, रेशनल बटा इरेशनल, रेशनल बटा इरेशनल बराबर इरेशनल। रेशियो ऑफ द रेशनल एंड द इरेशनल ऑलवेज बी ऑब्टेन इन द फॉर्म ऑफ इरेशनल। जैसे दो बटा रूट सेवन, दो बटा रूट सेवन, दो बटा रूट सेवन, ये आपका होगा इरेशनल। चूंकि इसको फाइनली स्टेज में जाइएगा तो हर हालत में इसका डेसिमल फॉर्म जो आएगा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग आएगा हमेशा। अगर आप मान लेते हैं इसको रिवर्स में लिखते हैं, इरेशनल बटा रेशनल, रेशियो ऑफ द इरेशनल एंड द रेशनल ऑलवेज बी ऑब्टेन इन द फॉर्म ऑफ द इरेशनल। जैसे आपका अंडर रूट सात बटा दो, ये आपका हो गया इरेशनल। लेकिन अगर यह सेम टर्म में रहता है, अगर यह सेम टर्म में रहता है रूट सेवन बटा रूट सेवन, तब आपका हो जाएगा रेशनल वन। तो लिखेंगे सेम टर्म में, इरेशनल बटा इरेशनल, इरेशनल बटा इरेशनल बराबर रेशनल। जैसे टू अंडर रूट सेवन बटा अंडर रूट सेवन, ये आपका कट जाएगा बराबर दो, ये हो गया आपका रेशनल। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग पार्ट थ्री रियल नंबर, ये हमने आपको नौ प्रॉपर्टी बताया। कल चलेगा रियल नंबर पार्ट फोर। रियल नंबर का मैं इतना आपको कंसेप्ट दूंगा, शायद फ्यूचर में किसी भी कंपटीशन में अगर आप बैठेंगे तो रियल नंबर से एक भी प्रश्न आपको कंफ्यूज के दायरे में नहीं ला पाएगा। तो पहला था रेशनल प्लस इरेशनल बराबर इरेशनल, इरेशनल प्लस रेशनल बराबर इरेशनल, रेशनल माइनस इरेशनल बराबर इरेशनल, इरेशनल माइनस रेशनल बराबर इरेशनल, बराबर इरेशनल, रेशनल गुना इरेशनल बराबर इरेशनल,
इरेशनल गुना इरेशनल, इरेशनल गुना इरेशनल बराबर इरेशनल, सेम टर्म में इरेशनल गुना इरेशनल बराबर रेशनल। नेक्स्ट नंबर आर डिवाइडेड बाय आई आर बराबर इरेशनल, आई आर डिवाइडेड आर बराबर इरेशनल, अगर सेम टर्म में होगा तो रेशनल। डियर स्टूडेंट्स, जितना बताया जा रहा है उसको वास्तव में अगर आप जाकर घर में अगर एक ईमानदारी पूर्वक, मैंने बताया था आपको 50 रिपब्लिक डे के दिन किसी भी कर्म के प्रति सच्ची श्रद्धा ही देशभक्ति होती है। अगर आप कमजोर होंगे तो हमारा देश भी कमजोर होगा। आप गद्दारी करेंगे गार्जियन से शिक्षा के प्रति अपने कर्म के प्रति तो देश भी उसी अनुकूल आज के 20 साल बाद ढलेगा। इसलिए डियर स्टूडेंट्स, चाहे कोई भी काम हो, एक सच्ची श्रद्धा, एक सच्ची निष्ठा, एक सच्ची जिम्मेदारी पूर्वक कीजिए, इससे बड़ा देशभक्ति कोई नहीं है। डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।